नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो है म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि कहां इन्वेस्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट होता क्या है। सिंपल भाषा में म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जहां आपके और दूसरे इन्वेस्टर का पैसा मिलाकर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट किया जाता है। और स्टॉक मार्केट, जैसा कि आप जानते हैं, एक प्लेटफॉर्म है जहां इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदे और बेचे जाते हैं। यहां आप डायरेक्ट ओनरशिप लेते हैं किसी कंपनी के शेयर्स की। म्यूचुअल फंड एक्सप्लेन्ड। म्यूचुअल फंड एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, मतलब कई लोग अपना पैसा एक साथ इकट्ठा यहाँ डालते हैं और प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसों को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड से डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब कि आपका पैसा अलग अलग सेक्टर्स और कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, जिससे रिस्क रिड्यूस होता है। मैनेजर के पास एक्सपर्टीज होती है, तो उन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो थॉटफुल होता है। स्टॉक मार्केट एक्सप्लेन्ड। स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्टली कंपनीज के शेयर खरीदते हैं। अब आप डायरेक्टली स्टॉक खरीदते हैं, आपको कंपनी में ओनरशिप मिलती है। इसमें आपको कंपनी के परफॉर्मेंस पर खुद नजर रखनी पड़ती है। अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो होता है, लेकिन अगर कंपनी गिरती है तो आपका पैसा भी लॉस होता है। यहाँ रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज और टाइम दोनों चाहिए। आपको मार्केट ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है, कंपनीज के फाइनेंशियल्स देखने पड़ते हैं और बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। हायर ग्रोथ का पोटेंशियल जरूर होता है, पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। तो चलिए अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बेसिस पर। पहला फैक्टर है रिस्क, जिसे हमने पहले डिस्कस किया है। म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन होती है। फंड मैनेजर आपका पैसा डिफरेंट सेक्टर्स और कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि आपका पैसा एक या कुछ ही कंपनीज में इन्वेस्टेड होता है। दूसरा फैक्टर है रिटर्न्स। हिस्टोरिकली देखा जाए तो स्टॉक मार्केट ने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स, लेकिन हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी होता है। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स मॉडरेट होते हैं, लेकिन रिस्क भी कम होता है। तीसरा फैक्टर है मैनेजमेंट और एफर्ट। म्यूचुअल फंड्स में आपको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती, आपका फंड मैनेजर सब कुछ हैंडल करता है। वहीं स्टॉक मार्केट में आपको खुद रिसर्च करनी पड़ती है, मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ता है और अपने इन्वेस्टमेंट को एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है। चौथा फैक्टर है कॉस्ट और फीस। म्यूचुअल फंड में आपको मैनेजमेंट फीस देनी पड़ती है, जो फंड मैनेजर्स को मिलती है। इसके अलावा कुछ और चार्जेस भी हो सकते हैं, जैसे कि एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। स्टॉक मार्केट में आपको ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है जब आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको कोई मैनेजमेंट फीस नहीं होती। नो योर रिस्क एपेटाइट एंड ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों, अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से डिसीजन लेना जरूरी है। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में डिफरेंस क्या है और कौन सा बेटर है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। तो फाइनली, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक दोनों अपनी जगह पे अच्छे हैं। अगर आपके पास एक्सपर्टीज और टाइम है और आप हाई रिस्क और हाई रिवार्ड के लिए रेडी हैं, तो स्टॉक्स अच्छी चॉइस हो सकते हैं। अगर आपको सेफ और लेस टाइम कंज्यूमिंग इन्वेस्टमेंट चाहिए विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट, तो म्यूचुअल फंड ही सही रास्ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स की वीडियो देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि म्यूचुअल फंड्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।